प्रीवियस क्लास में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया गया था, इसको पुनः रिपीट किया जा रहा है। कुछ बच्चों का डिमांड आया है उस आधार पर। एक्सपोनेंट का कुछ लॉ है जिसको कि यहाँ पर आज प्रूफ करके आपको बताया जा रहा है। प्रत्येक लॉ पर आपका कुछ एग्जांपल भी दिया जाएगा। एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, केवल पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा यहाँ पर। फर्स्ट लॉ है कि एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन इज इक्वल टू एक्स का पावर एम प्लस एन। यहाँ एम और एन पॉजिटिव इंटीजर है। इसको यदि हम लोग प्रूफ पहले करना चाहें तो हम एलएसएस लेकर चलेंगे। एलएसएस में हमारा है एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन। एक्स का पावर एम यानी यहाँ एम आपका इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आप जानते होंगे, पॉजिटिव इंटीजर एग्जांपल में यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ एक्स का पावर सपोज है कि हम अगर लेते हैं 2 तो इसको हम एक्स इंटू एक्स लिखेंगे। एक्स का पावर 5 अगर ले रहे हैं तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। उसी प्रकार इसका पावर एन यहाँ पर है, एन भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक्स का पावर एन अगर हम एन के प्लेस में अगर 2 ले रहे हैं तो एक्स इंटू एक्स। एक्स का पावर एन के रूप में अगर 3 ले रहे हैं तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक उसी प्रकार यहाँ जब इस फार्मूला को यदि हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं तो इस एक्स का पावर एम को हम इस प्रकार लिखेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 अप टू एम टर्म्स, अप टू एम टर्म्स। ये हमारा हो गया एक्स का पावर एम। इसके बाद आता है एक्स का पावर एन, यहाँ इंटू करके इसको फिर हम एक्स इंटू डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। अब आगे हम बढ़ कर देखते हैं कि यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई जो है एन टर्म तक है और पुनः एक्स का मल्टीप्लाई जो किया गया है वह एन टर्म तक किया गया है। दोनों में यहाँ एक्स 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 है, यहाँ भी एक्स 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 है, तो हम एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू यहाँ एम टर्म्स और यहाँ एन टर्म्स, दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं एम प्लस एन टर्म्स। क्यों ऐड किए? एक एग्जांपल देखा जाए कि 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 हम ऐड करेंगे कि डिवाइड करेंगे, ये क्लियर आपका हो जाएगा। 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हुआ, और 2 का पावर 2 2 2 4 यहाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर मिला हमको 32। अगर हम इस पावर को ऐड कर रहे हैं 3 को और 2 को तो 2 का पावर यहाँ पर मिला है 5, और 2 का पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 टू जिया 8 8 टू जिया 16 16 टू जिया 32 जो कि एलएसएस के बराबर है। इस एग्जांपल को देखकर हम इस एम को और एन को यहाँ पर क्या कर दिए, एम प्लस एन कर दिए। अब इस एक्स का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, जैसे एक्स का पावर यहाँ एम था तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू हम कितना लिखे, एम टर्म लिखे। ठीक यहाँ से कंपेरिजन यहाँ जब करते हैं तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू एम प्लस एन टर्म, तो हम इस एक्स को लिख लेंगे और पावर में एम प्लस एन को लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आर एच एस मिल जाता है और ये फार्मूला आपका प्रूफ हो जाता है। सेकंड फार्मूला आपका है एक्स का पावर एन डिवाइड एक्स का पावर एन इक्वल टू एक्स का पावर एम माइनस एन। फर्स्ट में था इनटू तो पावर को प्लस किया गया, सेकंड में डिवाइड इसलिए यहाँ पर माइनस करें क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस होता है और डिवाइड का उल्टा इनटू होता है। इसका हम एलएसएस लेकर चले हैं तो यहाँ डिवाइड है इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे यानी बटा के रूप में लिखेंगे। इसका पावर एम और एक्स का पावर एन, यहाँ पर एक्स का पावर एन यानी एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू एम टर्म्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू एन टर्म्स।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिवाइड में है, और जब भी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पर हमेशा स्मॉल नंबर आता है। सपोज दैट कि 10 और यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है, जबकि 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आता है। यानी अधिक कब आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और कम कब आएगा डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर चूंकि ये डिवाइड है इसलिए यहाँ एन जो है एम को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसलिए हम एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू एम माइनस एन टर्म्स। तो यहाँ एम में से एन को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस करने पर हमेशा कम आता है, प्लस करने पर अधिक आता है। अब x का मल्टीप्लाई जो किया गया कितनी बार किया गया, कितना टाइम्स किया गया, m माइनस n टाइम किया गया। तो x लिखकर और m माइनस n को लिख देंगे, इस प्रकार से हमारा RHS मिल जाएगा और ये ग्रुप चलेगा।